Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamualaikum student. Today I am going to solve exercise 4A of Oxford Mathematics D1 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 1. From the given number, list the numbers that are positive in numbers. पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर. देखिए यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर हमने इनको डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन से नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और नेगेटिव इंटीजर हैं और कौन से पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर हैं. देखिए इंटीजर्स हमेशा जो भी नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स में होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव होल नंबर्स में जो वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे. अब यहाँ पर जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको हम मेंशन करते हैं जो होल नंबर्स हैं. यहाँ देखें जो पॉजिटिव होल नंबर्स हैं वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ 10,001 और 4 हैं तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए. ये हम यहाँ लिख लेते हैं 10,001 एंड 4. नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव इंटीजर. नेगेटिव इंटीजर में कौन से नंबर होंगे? जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं होल नंबर की. यहाँ देखें -12 है, ये -2626 है और इसके अलावा कोई और नहीं आएंगे. जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं वो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे -12 और -2026. अब नेक्स्ट आ जाता है पॉजिटिव नंबर. पॉजिटिव नंबर में तमाम इंटीजर और डेसिमल वैल्यूज़ भी इंक्लूड हो जाती हैं. तो पॉजिटिव नंबर हमारे पास कौन से दिए हुए हैं? पॉजिटिव नंबर हैं यहाँ पर 10. जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनमें इंटीजर पहले लिख लेंगे. इंटीजर हैं हमारे पास 10,001 4 और उसके बाद जो वो नंबर जो फ्रैक्शन में है या डेसिमल में है वो भी लिखेंगे. ये है देखें 1/5 और नेक्स्ट है हमारे पास 4.33. ये हमारे पॉजिटिव नंबर्स आ गए हैं. अब नेगेटिव नंबर्स बाकी नंबर्स जो नेगेटिव वैल्यूज़ में हैं वो हम लिख लेंगे. उनमें नेगेटिव इंटीजर भी आएंगे. पहले मैं नेगेटिव इंटीजर लिख रहा हूँ तो नेगेटिव इंटीजर है -12 2026 और उसके बाद जो नेगेटिव डेसिमल वैल्यू है -0.3 से 3. दिस इज नेगेटिव वैल्यू -0.3 और नेक्स्ट आप देखें इसमें -1 1/2 इसमें होल नंबर फ्रैक्शन और डेसिमल वैल्यू सब तमाम की तमाम हमने लिखनी है. तो ये मिक्स नंबर है, ये भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे. तो -1 1/2. तो आपने जहन में रखना है कि इंटीजर्स में आपने होल नंबर्स लिखने हैं और नंबर्स में आपने होल नंबर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर्स तमाम इंक्लूड होंगे. पॉजिटिव में पॉजिटिव वाले लिख देंगे और नेगेटिव में नेगेटिव वैल्यूज़ लिख देंगे. तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया है. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, एब्सोल्यूट जीरो डिफाइंड एज 0 केल्विन. द थ्योरेटिकल लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर 0 केल्विन इज 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड. रिप्रेजेंट दिस टेम्परेचर यूजिंग नेगेटिव नंबर्स. देखिए यहाँ पर डिफरेंट क्वांटिटीज दी हुई हैं स्टेटमेंट फॉर्म में और इन स्टेटमेंट में जो वर्ड यूज़ हो रहा है नेगेटिव नंबर के लिए वो यहाँ मेंशन है हर पार्ट में. देखें ये बिलो 0 डिग्री, ये एक नेगेटिव वैल्यू के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं. इसी तरह बिलो सी लेवल ये भी नेगेटिव वैल्यू के लिए यूज़ हो रहा है. लॉस भी नेगेटिव नंबर के लिए यूज़ होता है. इसी तरह ये पार्टी में लॉस्ट है, ये भी नेगेटिव वैल्यू के लिए यूज़ होता है. तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री, इसकी रिप्लेस पे आपने वैल्यू लिखनी है और वो वैल्यू क्या बनती है 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड. किस में लिखनी है, नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर में? यहाँ वैसे उसने लिख दिया नेगेटिव नंबर में तो ये नेगेटिव वैल्यू आप यहाँ पर नेगेटिव साथ लिख देंगे. इसी तरह सेकेंड स्टेटमेंट है पार्ट बी की, lowest point in North America is the Badwater Basin which is 86 meter below sea level. Represent this altitude using negative number. यहाँ पर ये altitude दिया हुआ है below sea level, तो below sea level की वजह से ये negative value negative में होगी और यहाँ पर हम 86 meter value को below sea level की replace पे negative मेंशन कर देंगे और इसका मतलब हो जाएगा एल्टीट्यूड बिलो 86 मीटर सी लेवल। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी है, एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सफर लॉस ऑफ 85,000 in the year 2020, represent this loss in using negative numbers। देखिए ये जो लॉस है 85,000 का, तो अगर हम 85,000 यहाँ पर लिखें और साथ में डॉलर मार्क कर दें और इससे पहले नेगेटिव लगा दें तो ये वैल्यू लॉस को शो करेगी। ये नेगेटिव 85,000 हो गया और इसने यहाँ लिख भी दिया है इस ये जो वैल्यू है इसको, ये जो नंबर है ये नेगेटिव नंबर यूज करते हुए मेंशन करें। तो लॉस ऑफ 85,000 का मतलब नेगेटिव 85,000, तो नेगेटिव हमने लगा दिया। इसी तरह क्वेश्चन 2 का पार्ट डी है, ए बेबी हैड हैज लॉस्ट अ मास ऑफ 0.15 kg, रिप्रेजेंट दिस लॉस इन यूजिंग नेगेटिव नंबर। तो देखो इस नंबर को ये जो वैल्यू है 0.15 kg लॉस्ट मैस है ये, तो लॉस्ट मैस से पहले हम नेगेटिव लगा देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉस्ट मैस 0.15 kg। और ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है वैल्यू को और उसने कहा था कि इसमें रिप्रेजेंट करें नेगेटिव नंबर में, तो ये नेगेटिव नंबर में वैल्यू रिप्रेजेंट हो गई है। अगर ये ना भी लिखता इसको, बस ये लिखता रिप्रेजेंट इन नंबर्स, तो आपने फिर भी यहाँ पर लॉस्ट की रिप्लेस पे नेगेटिव लगाना था और इसी तरह बिलो की रिप्लेस पे नेगेटिव वैल्यू लिखनी थी। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक विद द सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन। पार्ट ए 1660। देखें ग्रेटर देन सिंबल और लेस देन सिंबल में आपको मालूम है कि जिस साइड पे इस सिंबल का ये सिंबल ओपन हुआ हुआ होता है वो वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर होती है दूसरी वैल्यू से, और जिस तरफ टेल होती है वो वैल्यू स्मॉलर होती है। जैसे कि हम यहाँ पर 8 एंड 5, 8 ग्रेटर है तो ये हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे 8 इज ग्रेटर देन 5। अगर एक नंबर है जैसे -7 और -20, अब -7 में -7 ग्रेटर वैल्यू है -20 से, तो -7 की तरफ हम इसकी सिंबल को ओपन कर देंगे। या कोई नंबर है 6, 10, तो अब 6 लेस देन है 10 से, तो जो स्मॉलर वैल्यू है उसकी तरफ टेल कर देंगे। तो यही हमने यहाँ पर करना है। 60 यहाँ पर ग्रेटर है तो इस तरफ हम माउथ ओपन कर दिया। पार्ट बी 3.1, 3.2 ग्रेटर है, इस तरफ सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया तो ये 3.1 लेस है, तो 3.1 लेस देन 3.2 हो गया। अब -6 एंड 8, -6 पॉजिटिव और नेगेटिव में हमेशा नेगेटिव वैल्यू स्मॉलर होती है, तो जिसकी वजह से टेल सिंबल की -6 की तरफ रखी तो ये -6 लेस देन 8 हो गया। -31 में पहले ही मैंने बताया कि पॉजिटिव वैल्यू में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर होती है और नेगेटिव वैल्यू स्मॉलर होती है, तो इसलिए ग्रेटर वैल्यू की तरफ हमने माउथ को इसके सिंबल को ओपन किया है। तो ये 30 ग्रेटर देन -31। -2, 0 से स्मॉलर वैल्यू होती है इसलिए ये लेस देन, हमने -2 लेस देन 0 रिप्रेजेंट कर दिया। 9.8, -9.9, ये भी बिल्कुल सिंपल है, पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर होती है नेगेटिव से, तो ये हमने इस तरफ इसको माउथ को ओपन किया तो इसलिए 9.8 ग्रेटर देन -9.9। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4, यूज नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 8 2, 2, 5, 0, -4, 6, -2.8। देखिए ये नंबर्स हमने नंबर लाइन पे मेंशन करने हैं। नंबर लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दी है, इसमें सेंटर में 0 होता है और राइट पे पॉजिटिव वैल्यूज लिखी हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे हैं और लेफ्ट पे नेगेटिव इंटीजर्स लिखे हैं। सबसे पहले हमने पार्ट ए में वैल्यू मेंशन करनी है 2, 2/5। 2, 2/5 देखें 2 और 3 के बिटवीन वैल्यू होगी और जो इसका फ्रैक्शन पोर्शन है वो हम कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके लिए 2, 2/5 में जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है 5, इतनी डिवीजन्स 2 और 3 के बिटवीन आप करते हैं। तो डिविजन्स हम कितनी करेंगे, 5 डिविजन्स करेंगे, और 5 डिविजन्स के लिए हमने 4 लाइंस जो है ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो यहाँ हमने 4 लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये 5 डिविजन्स हो गई। तो जो यहाँ पर 2/5 वैल्यू बनती है, ये 2 से सेकेंड पॉइंट पे जो ये पोजीशन आ रही है, ये पोजीशन हमें शो करेगी 2/5, और ये क्योंकि 2 के बाद है तो हम लिखेंगे 2 2/5। अब नेक्स्ट वैल्यू है 0, तो यहाँ हम 0 पे एरो बना देंगे। फिर नेक्स्ट है -4, ये पोजीशन आएगी 0 से राइट साइड लेफ्ट साइड पे, ये -4। फिर 6, तो यहाँ पर ये 6 वैल्यू है, तो इसको एरो हमने ड्रॉ कर दिया। फिर है -2.8। अब देखिए -2.8 -2 से 3 के बिटवीन होगी, और -2 से -3 के बिटवीन वैल्यू को हमने मेंशन करना है। जब भी डेसिमल वैल्यू आपने मेंशन करनी है तो जिसके बिटवीन वो वैल्यू आएगी उसके बिटवीन आपने 10th डिवीजन कर देनी है। तो यहाँ आपने इसकी टोटल 10 डिवीजन बना दें -2 एंड 3 के बिटवीन। तो यहाँ मैं इसको 9 लाइन ड्रॉ कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब ये 9 लाइन से 10 डिवीजन हो जाती हैं, और आपने लेना है -2.8। तो -2 से राइट से लेफ्ट साइड पे आपने नंबर लाइन 8 लाइन है, उस पे आपने एरो मार्क करना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज दी पोजीशन ऑफ -2.8। तो यहाँ हम ये मैंने एरो मार्क किया हुआ है, इसको हम कहेंगे -2.8। तो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी, यूज नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ दी फॉलोइंग। देखिए यहाँ इसी तरह हम दोबारा एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस नंबर लाइन पे जो इंटीजर्स दिए हुए हैं, राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और इसको यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, दिस इज पार्ट बी नंबर लाइन। अब इसकी वैल्यूज हमने यहाँ पर मेंशन करनी है। पहली वैल्यू है -0.55। आप इसको -0.5 और 0.6 के बिटवीन आपने ये नंबर लाइन ड्रॉ होगी। तो देखो -0.5 या -0.6 वैल्यू कहाँ पर आएगी, 0 से -1 के बिटवीन, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू 0 से लेफ्ट साइड पे होती है। तो आपने जैसे पहले हमने किया डेसिमल वैल्यू में, हमने क्या करना है, जिनके बिटवीन वो वैल्यू आ रही है उनके बिटवीन 10 डिवीजन्स कर दें। 0 और -1 के बिटवीन हम 10 डिवीजन्स जो हैं यहाँ पर लगा लेते हैं। तो ये मेरे पास 1st 2nd 3rd 4th 6 7 8 9 लाइन्स लगाएंगे, 10 डिवीजन्स बन जाएंगी। और वैल्यू है 0.5, देखो 0.5 और 0.6 के बिटवीन। तो ये हो गई 1 2 3 4 5, दिस इज 5th वैल्यू एंड दिस इज 6। तो इसके बिटवीन ये पोजीशन बनती है हमारी -0.55, क्योंकि ये थी -0.5 वैल्यू और ये वैल्यू थी -0.6, इसके बिटवीन बनेगी। तो यहाँ हमने इसको मेंशन कर दिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है ये 4। तो 4 को आप यहाँ पर एरो मार्क करते हैं, दिस इज 4, ये वैल्यू हो गई। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर है -1/10। -1/10, 0 और -1 के बिटवीन वैल्यू है, और 0 और -1 के बिटवीन 10 डिवीजन हम कर लेंगे, और यहाँ पर ऑलरेडी हमने की हुई है। तो जो फर्स्ट डिवीजन राइट से लेफ्ट बनेगी वो पोजीशन आ जाएगी -1/10। नेक्स्ट है 2। तो 2 जो है, हम ये हमारे पास 2 इंटीजर है, इस पे हमने एरो लगा दिया। -2 ये इंटीजर है, इस पे एरो लगा दिया, और ये हमारी नंबर लाइन पे इन नंबर की इलस्ट्रेशन जो है हो गई है। पार्ट सी, पार्ट सी है यूज नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट इंटीजर बिटवीन -4 to 4। तो -4 से 4 के बिटवीन जो इंटीजर आ रहे हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं। नंबर लाइन जैसे हमने पहले बनाई थी, नंबर लाइन में सेंटर में हमने 0 लिखा, और उसके बाद हमारे पास राइट पे पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट पे नेगेटिव वैल्यूज, और वैल्यू यहाँ पर पार्ट सी में जो दी हुई है वो हम यहाँ से देख लेते हैं क्या है। वैल्यू है इंटीजर बिटवीन -4 to 4, -3 से वैल्यू स्टार्ट होगी और फर्स्ट इंटीजर यहाँ -4 के बाद -3 है, फिर -2 है, फिर -1 है, फिर 0, 1, 2, 3, ये तमाम इंटीजर्स हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं। नेक्स्ट है यूज नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट द नंबर पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। पार्ट डी है पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। तो 10 से लेस देन कौन से इंटीजर है? 9 है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये तमाम इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 है, ये हमने मेंशन कर दिए हैं। क्वेश्चन 5 यूज नंबर लाइन अरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। पार्ट ए 230, -13, 23, -3, -3 एंड 30। देखें यहाँ पर ये जो नंबर लाइन है इसमें यहाँ पर मैंने 0, 20, 40, 60 और ये नंबर लाइन राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू लिखी है और लेफ्ट पे मैंने नेगेटिव वैल्यू लिखी है। और यहाँ पर देखें जो नेगेटिव वैल्यूज हैं ये है -20 और ये है -40 और इनके बिटवीन है -30। यहाँ हम ये -30 मेंशन कर देते हैं इस वैल्यू को, तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। अब आपने इन वैल्यूज को यहाँ पर नंबर लाइन्स पे हमने इन वैल्यूज को मार्क करना है। 230 देखें, 230 यहाँ पर 200 है, ये 220 है, 240 और 230 के बिटवीन होगा, तो ये एरो यहाँ पर मैं मार्क कर दूंगा। दिस इज 230। नेक्स्ट वैल्यू है और यहाँ लिख देते हैं 230 और नेक्स्ट वैल्यू है -13। -13 देखें 0 और 10 के बिटवीन हमारे पास जो वैल्यू बन रही है, 0 और -20 के बिटवीन ये हमारे पास वैल्यू है -10 और -10 और -20 के बिटवीन हमने 10 लाइंस जो हैं ड्रॉ कर दी हैं। ये मैंने यहाँ पर 10 डिवीजन्स मार्क कर दी हैं, तो उसमें -13 जो थर्ड डिवीजन है ये हमारी -13 वैल्यू होगी और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया -13। इसी तरह नेक्स्ट है 23, तो 23 किसके बाद आएगा? 20 और 40 के बिटवीन यहाँ 30 आएगा और 30 से 20 के बिटवीन आप 10 डिवीजन्स जो हैं वो लगा दें, यानी 9 लाइंस लगा दें। ये देखें हम लगा लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो थर्ड जो डिवीजन होगी 20 के बाद 1, 2, दिस इज की पोजीशन 23, तो ये हमारी पोजीशन होगी और इसको यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, दिस इज 23। नेक्स्ट वैल्यू है -3। -3 जो है -10 और 0 के बिटवीन आएगा वैल्यू, तो 0 और -10 के बिटवीन 10 डिवीजन्स लगा लेते हैं। ये तो -3 0 से राइट से लेफ्ट जाएं 0 से, तो ये जो यहाँ पर ये डिवीजन आ रही है तो ये हमारे पास ये जो लाइन इस लाइन पे जो वैल्यू होगी ये हमारे -3 होगी, तो यहाँ हम एरो मार्क कर देते हैं -3। और नेक्स्ट है 30। 30 जो वैल्यू होगी ये 0, 20 और 40 के बिटवीन है, तो ये वैल्यू 30 आ गई है। तो ये हमने नंबर लाइन पे नंबर मार्क कर दिए हैं और अब हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग यानी वैल्यूज कैसे लिखते हैं, पहले स्मॉलर और स्मॉलर से बिगर। स्मॉलर वैल्यू यहाँ पर पहली वैल्यू आ गई -13, फिर आ गई -3, नेक्स्ट आ गई 23, फिर नेक्स्ट वैल्यू देखे 30 और फिर वैल्यू आ गई 230। तो ये अरेंजमेंट हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 यूजिंग नंबर लाइन टू अरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। पार्ट बी 0.5 150 15 -10 3/20। यहाँ देखें ये नंबर लाइन मैंने बना दी है। इस नंबर लाइन में मैंने नंबर 0 से राइट साइड पे 160 तक मेंशन किए हैं क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू 150 थी और स्मॉलर वैल्यू क्योंकि -10 तक है तो ये -20 तक मेंशन कर दिए हैं। अब पहली वैल्यू हम -0.5 है और इस वैल्यू को नोट करें कि ये यहाँ पर 0 से 10 के बिटवीन डिवीजन है। ये फर्स्ट वैल्यू -1 है और -1 और जीरो के बिटवीन ये वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर हम ये एरो मार्क कर देते हैं। जीरो से -1 के बिटवीन ये जो सेंटर में हमारे पास जो वैल्यू बनेगी ये -0.5 आ जाएगी, तो यहाँ हम लिख देंगे -0.5। अब नेक्स्ट वैल्यू है 150, तो 150 को हम मार्क कर देते हैं, ये एरो आ जाएगा 150। फिर है 15, 10 और 20 के बिटवीन ये एरो लिख देंगे 15, यहाँ पर एरो मेंशन कर देंगे 15। फिर है -10, ये वैल्यू आ जाएगी -10। और नेक्स्ट वैल्यू है -3/20। -3/20 को यहाँ 3 को 20 से डिवाइड कर ले, तो 3 जो है स्मॉलर वैल्यू है, तो 0.0 एज ए क्वोशंट लगाया और आगे पॉइंट पर 0 लगा दिया। 20 × 1 20 होता है, तो डिफरेंस 10 आ गया। 0 हमने यहाँ पर शिफ्ट कर लिया, 20 × 500 तो 0.15। 0.15 हमने मेंशन करनी है वैल्यू। -1 और 0 के बिटवीन ये वैल्यू मार्क होगी, और ये 0 से जस्ट आफ्टर लेफ्ट साइड हमने मार्क करनी है। तो ये वैल्यू यहाँ पर अगर हम इसकी 10 डिवीजन करें 0 से -1 के बिटवीन, तो ये जो डिवीजन होगी तो 0.1 और 0.2 के बिटवीन हमारा ये एरो मार्क करेंगे हम। तो ये जो एरो होगा इसको मैं यहाँ मार्क कर दूंगा -0.15। और आपने 0.5 के बाद 0 के फौरन बाद लेफ्ट साइड पे आपने वैल्यू लिख देनी है। तो ये एरो इसको मैं -0.15 यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब हम इसको वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो पहली वैल्यू यहाँ पर आ रही है, सेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो फर्स्ट वैल्यू आप लिख लेंगे -10, नेक्स्ट वैल्यू लिख लेंगे -0.5, और फिर है -0.15। ये इसकी रिप्लेस पे हमने लिखा है, तो -3/20 लिखेंगे, इसको 3/20 लिख लें या 3/20। और दूसरी वैल्यू है हमारे पास नेक्स्ट है 0. ये एरो आ रहा है 0.15, और नेक्स्ट है 150। तो ये हमने वैल्यूज जो हैं यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर भी नंबर लाइन से लिखी है।